हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू शिक्षा गाइज एग्रीकल्चर स्टैटिक पोर्शन का ये सेकेंड लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस uh, किया था uh, जो सॉइल की प्रॉब्लम्स की वजह से न्यूट्रिएंट डिफिशेंसीज होती हैं सॉइल कंडीशन की वजह से एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिल्क वॉर्म के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे या सिल्कस के टाइप आप कह लो uh, हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट सिल्क वॉर्म्स से आप डिफरेंट क्वालिटी या टाइप ऑफ सिल्क आपको मिलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड इस लेक्चर के अंदर ना मैं साथ के साथ आपको जैसे हम सिल्क वॉर्म का हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे तो मैं आपको एम भी दिखाऊंगा एक एक ठीक है वो एम हमने जो हमारा 2000 प्लस एम वाला कोर्स है तो एक आइडिया देना मेरे को आपको मेनली यहाँ पर कि जो हमारा एम का कोर्स है उसमें एम किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं तो हर टॉपिक को बहुत बारीकी से एनालाइज किया जाता है और उस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस को निकालने की कोशिश की जाती है कि जितने तरीके से हम उस क्वेश्चन को निकाल सकें वो निकालें एंड फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उनकी प्रोवाइड की जाती है वो एम कोर्स नॉन वीडियो है और बहुत ही कम दामों में उसको हमने प्राइस प्राइसिंग उसका किया है अभी उसके ऊपर एक थर्टी परसेंट का डिस्काउंट कोड भी चल रहा है अर्ली थर्टी अगर आप कूपन कोड यूज़ करोगे कोड यूज करने के बाद चार सौ उन्नीस रुपए का पड़ता है लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका एक फ्री सैंपल टेस्ट भी क्रिएट किया हुआ है हमने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है तो वहां से आप कर सकते हो दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेक्चर शुरू करने से पहले आपका मॉक टेस्ट मैं कंडक्ट कर रहा हूँ पहला मॉक टेस्ट मैं कंडक्ट कर रहा हूँ एआरडी के लिए सिर्फ ठीक है उसके बाद हम ई का भी पार्ट इंक्लूड करेंगे लेकिन जो पहला मॉक है वो सिर्फ और सिर्फ एआरडी के लिए होगा यानी कि इसमें चालीस एम होंगे ठीक है फोर्टी एम सी क्यू होंगे स्ट्रिक्टली एग्जाम पैटर्न के ऊपर इसके अंदर एम सी क्यूज रहेंगे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ठीक है और ये हम लाइव सेशन के अंदर कंडक्ट करेंगे यूट्यूब के ऊपर ही आठ अगस्त को बेसिकली बेटा ये लाइव सेशन आपका रहेगा सात बजे ठीक है शाम को सात बजे इसको शुरू करेंगे इसको एज अ मॉक हम करेंगे पहले आपको चालीस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे हर क्वेश्चन के लिए आपको एक टाइम दिया जाएगा जो टाइम आपके पास बेसिकली एग्जाम के अंदर रहता है आइडियल ठीक है और उसके बाद हम उसकी डिटेल सोल्यूशन डिस्कस करेंगे सेम लेक्चर के अंदर चलिए अब शुरू करते हैं सिल्क वॉर्म टाइप्स को तो देखो पांच मेजर टाइप्स ऑफ सिल्क है इंडिया के अंदर कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए पांच मेजर टाइप्स ऑफ सिल्क आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सिल्क वॉर्म से अपने को मिलते हैं जो अलग अलग फूड प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं अब जो मलबरी से बेसिकली जो मलबरी प्लांट्स के ऊपर फीड करने वाले सिल्क वॉम है उनको हम बोलते हैं मलबरी सिल्क और बाकी को हम क्लासीफाई करते हैं नॉन मलबरी सिल्क इंडिया की एक डिस्टिंगशन क्या है सिल्क वॉम के अंदर कि इंडिया जो पांचों टाइप की कॉमर्शियल वेराइटीज़ है ना सिल्क की पांचों टाइप की कॉमर्शियल वेराइटीज़ को प्रोड्यूस करता है तो वो पांच टाइप्स क्या हैं एक एक करके समझते हैं सबसे पहले आ जाती है आपकी मलबेरी मलबेरी जो है ये सबसे ज़्यादा जो बल्क में कॉमर्शियल सिल्क प्रोड्यूस होती है ना पूरी दुनिया के अंदर वो मलबरी सिल्क प्रोड्यूस होती है ठीक है और मलबरी सिल्क बेसिकली यू डिराइव इट फ्रॉम अ सिल्क वाम कॉल्ड बॉम्बिक्स मॉरी एल ये इंपॉर्टेंट है जो भी टाइप ऑफ सिल्क है उसका सिल्क वाम नेम आपको याद रखना जरूरी है और इस सिल्क uh, वाम की खास बात क्या होती है ना जैसे बाकी के सिल्क वाम्स आप देखोगे वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर भी फीड कर लेते हैं लेकिन मलबरी सिल्क वाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मलबरी प्लांट के ऊपर ही फीड करेगा ऑन नथिंग एल्स ओके और ये जो सिल्क वॉम है इसको कंप्लीटली डोमेस्टिकेट किया जाता है और रियर रिंग इसकी इंडोर होती है नेचर के अंदर नेचुरली नहीं होती है इंडोर एनवायरनमेंट में इसकी डोमेस्टिकेशन के थ्रू बेसिकली ये सिल्क वॉम जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया के अंदर जो मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं कर्नाटका आंध्रा वेस्ट बंगाल तमिलनाडु जे एंड के और आप ये देख लो कि ये पांच स्टेट्स जो हैं इसमें 92 परसेंट इंडिया का मलबरी रॉ सिल्क प्रोड्यूस होता है ठीक है तो मेजर प्रोड्यूसर्स यही हैं अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, है ना अब देखो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो हमने एमसीक्यू कोर्स में भी हमारे कवर किया है भाई मलबरी सिल्क वॉर्म इज प्रोड्यूस बाय विथ सिल्क वॉर्म अब जिसको पढ़ लिया जिसने एक बार उसके लिए तो ये क्वेश्चन चुटकियों बजा करके हो जाने वाला क्वेश्चन है वो तो कहेगा कि ले ये कोई पेपर है इतना सिंपल पेपर लेकिन जिसने नहीं पढ़ा फिर वो फंस जाता है यहाँ पर एंड ऑप्शन ए बी सी डी यहां पर आपको गिवन है एंथेरिया एंथेरिया एंड ऑफ़ तो अभी हमने पीछे आंसर देखा कौन सा था ये देखो दोबारा आ जाओ टेक्स्ट के ऊपर तो बॉम्बेक्स मॉरी एल है ना तो डायरेक्टली ये पेपर के अंदर पूछ सकता है वो इस तरीके से क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ सिल्क जो है आपका वो है तसर तसर और तूसा भी इसको बोलते हैं ये बेटा जो सिल्क इसमें प्रोड्यूस होता है ना वो कॉपरिश से कलर का होता है और इसको कोर्स सिल्क बोलते हैं अब जैसे अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो सिल्क है वो कॉपरिश होता है या कौन सा जो सिल्क है वो कोर्स होता है नीचे पाँचों सिल्क की वेराइटीज़ के नाम दे देगा बन गया आपका क्वेश्चन ठीक है और ये जो तसर सिल्क होता है ना मेनली जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है और फर्निशिंग के लिए फर्नीचर वगैरह पे उन सब के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है इसके अंदर ज़्यादा शाइन नहीं होती जैसे मलबरी सिल्क जो होता है वो शाइनी होता है ये इतना ज़्यादा लश्प्रस नहीं होता लेकिन इसकी अपनी एक खासियत ओके okay. एंड इसको जो बेसिकली सिल्क वम्प प्रोड्यूस करता है तसर सिल्क को दैट इज कॉल्ड एंथेरिया मैलिता अब जैसे हमने ये पूछ लिया कि मलबरी सिल्क कौन प्रोड्यूस करता है वैसे ही हम ये भी तो पूछ सकते थे कि तसर सिल्क कौन प्रोड्यूस करता है एंड जैसे मलबरी सिल्क जो है वो मेनली मलबरी प्लांट्स के ऊपर ही फीड करता है जो तसर सिल्क है ये किसके ऊपर फीड करता है ये किन प्लांट्स के ऊपर फीड करता है असन एंड अर्जुन ओके okay, और इनकी जो रियरिंग्स हैं अगेन यहाँ पर मलबरी से एक डिफरेंस आ जाता है मलबरी में हम देख रहे थे कि जो डोमेस्टिकेशन हो रहा था वो कम्पलीटली इंटीरियर एनवायरनमेंट में हो रहा था लेकिन यहाँ पर जो रियरिंग है वो नेचर में और ओपन एनवायरनमेंट में होगी ओके okay, इंडिया के अंदर जो मेनली स्टेट्स हैं जो तसर सिल्क प्रोड्यूस करती हैं वो है आपकी झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश एंड काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है तसर कल्चर जो है इंडिया में प्रैक्टिस करती हैं अब तसर के ऊपर देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ गया विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिल्क वॉम रेयर्स ऑन असन एंड अर्जुन प्लांट्स असन एंड अर्जुन प्लांट के ऊपर इनमें से कौन सा टाइप ऑफ सिल्क वॉम जो है वो रेयरिंग करता है नीचे आपको आ, तसर मलबरी एरी मुगा चार दे दिए तो आंसर यहाँ पर आपका तसर हो जाएगा नेक्स्ट आ जाता है ओक तसर ओक तसर बेसिकली ये भी एक तरह का तसर का ही वेराइटी है लेकिन उससे फाइन क्वालिटी का होता है और इसके अंदर जो आपका सिल्क वॉम आ जाता है दैट इज एंथेरिया प्रॉयली जे इंडिया के अंदर बेसिकली ये ओक ट्रीज के ऊपर फीड करते हैं जो सब हिमालयन बेल्ट में जो हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको काफी ज्यादा मिलता है ठीक है तो मेनली ये मणिपुर हिमाचल यूपी असम मेघालय और जे एंड के जैसी स्टेट्स को कवर करता है चाइना वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर है ओक तसर का पूरी दुनिया के अंदर और चाइना के अंदर जो ये ओक तसर सिल्क प्रोड्यूस होती है ना ये एंथेरिया प्रॉयली नहीं ये एंथेरिया पेरनी एक सिल्कवॉर्म है उससे प्रोड्यूस होती है अब देखो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन गया कि इनमें से कौन सा मेजर प्रोड्यूसर है ओक तसर का इंडिया चाइना पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आंसर विल बी ऑप्शन बी चाइना ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाती है आपकी मुगा वेराइटी मुगा वेराइटी जो है गोल्डन येलो कलर का सिल्क होता है और इसको प्राइड ऑफ आसाम भी बोला जाता है अब देखो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग सिल्क इज ऑल्सो नोन एज द प्राइड ऑफ आसाम बन गया कि नहीं बन गया क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया इनफैक्ट ठीक है

ओके okay, अब देखो ये भी एक क्वेश्चन आ गया इस वैरायटी में से विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिल्क इज गोल्डन येलो इन कलर इनमें से कौन सा सिल्क गोल्डन येलो यो है कल में अगेन चार सिल्क की वैरायटीज दे दी आंसर आपका क्या हो जाएगा मोगा हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सारे क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू कोर्स के अंदर कवर किए जाते हैं विद सल्यूशन ठीक है विद सोलूशन तो अल्टीमेटली आप अगर वो दो प्लस एमसीक्यू कर लोगे ना मेरी गारंटी है आपके पेपर में एआरडी के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे ठीक है चलो एंड फाइनली वी हैव द दराइटी कॉल्ड एरी एरी वेराइटी की बात करते हैं इसको एन्दी या एरानदी भी कहते हैं ओके अगेन मल्टी वॉल्टाइन सिल्क स्पन है ओपन एंडेड कोकॉन्स होते हैं अनलाइक अदर वेराइटीज ऑफ सिल्क ओके डोमेस्टिकेटेड है सिल्क uh, वॉम का जो नाम यहाँ पर आ जाएगा दैट इज कॉल्ड फिलोसेमिया एंड ये कैस्टर लीव्स के ऊपर फीड करता है बेटा ठीक है कैस्टर लीव्स के ऊपर फीड करता है एंड एग्रीकल्चर इज अउस होल्ड एक्टिविटी अगेन क्योंकि जो प्यपे होता है ना इस सिल्कॉम का वो प्रोटीन रिच होता है और ट्राइबल एरियाज में तो उसको काफी डेलीकेसी एज अ फूड आइटम एज ईटिंग उसको काफी uh, अच्छा कंसिडर किया जाता है ओके okay. एरिकोकॉन्स जो है ओपन माउथ होते हैं तिल्क जो है इंडिजीनियसली प्रोड्यूस की जाती है चादर्स बनाने के लिए मेनली एंड इंडिया के अंदर ये मेनली एरी जो कल्चरिंग है या एरी कल्टीवेशन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और असम में इसको प्रैक्टिस किया जाता है कई जगहों पर बिहार वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी, भी मिलता है बट मेन जो एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट और असम है अब जैसे यहां पर एक क्वेश्चन एरी सिल्क पे भी आ गया एरी सिल्क वॉम जो है ये किसके ऊपर रेयरिंग करता है मलबेरी कैस्टर कोकोनट बनाना या नन ऑफ दी अब अभी मैंने आपको दिखाया ना कि किसके ऊपर फीडिंग करेगा किसके ऊपर रेयरिंग करेगा कैस्टर लीव्स के ऊपर तो इसी तरीके से मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो फ्रेम बेटा होते हैं जो सारे के सारे आपके एमसीक्यू कोर्स के अंदर कवर्ड है सो दिस इज इट गाइस फॉर द टाइप्स ऑफ सिल्क एंड इसमें से मल्टीपल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं जो पहले पूछे भी गए हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कवर करोगे पीडीएफ इसका टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है कोई भी दिक्कत हो कुछ पूछना हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर लो यहां पर नंबर गिवन है इसके ऊपर व्हाट्सएप कर लो ईमेल आईडी डी गिवन है इसके ऊपर मेल कर दो यूट्यूब के ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का ऑप्शन है वहाँ पर कमेंट कर दो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ खड़े हैं बिल्कुल एकदम ठीक है बस तैयारी करो जोर लगा करके पूरी शिद्दत से चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर ऑल द बेस्ट एंड बाय